अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉब मंजिल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, तो जो हमारे वैकेंसीज है अभी वो दुबई के लिए है सिक्योरिटी गार्ड, और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाना चाहते हैं वो पूरा वीडियो को देखें, समझें इसमें क्या क्या है, कैसे होगा, क्या करना है, कौन सा टेस्ट है, नहीं है, सब कुछ देख के समझ लें। ठीक है, पूरा वीडियो बना देता हूँ। हाँ, उनसे इंक्वायरी करते ही रहते हैं आप, लेकिन वीडियो बता देने के बाद आप समझिए, देखिए। ठीक है, पूरा एक स्टेप सही से बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना घटिया सा मोबाइल एक है, उसको निकाल लेता हूँ मैं, इसमें ही है डिटेल्स। बोलते नहीं, खोटा सिक्का ही काम आता है, तो ये खोटा सिक्का है मेरा, लेकिन बहुत काम आता है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड की जो हाइट है कम से कम 5 फुट 5 इंच 5 फुट 4 इंच कम से कम होनी, उसका उससे ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे इंडिया में हैं तो इंडिया में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि आप वहाँ पर जाने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा ही, अगर टेस्ट का नहीं हो। ठीक है, इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 1800 दिरहम सैलरी मिलेगी। ठीक है, 12 घंटा काम रहेगा, बाकी छुट्टी वगैरह जो है जो दुबई का लेवल है उसके हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो जो भेजना है, ठीक है, तो आपको CV भेजना पहले आपका। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड फ्रंट बैक पेज भेजना है, फोटोग्राफ भेजना है, फोटोग्राफ यानी फुल फोटोग्राफ। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भेजना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट भेजना है। तो ये सब कहाँ भेजना है, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है उस पर भेजिए। ठीक है, और आप जो हाई लिखते हैं, मतलब किस जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें लिख दें सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें, अपना PDF फाइल में भेजें, अलग अलग पेज नहीं भेजें, PDF फाइल में एक साथ बना के अच्छे से खूबसूरती से भेजें, आपका फुल साइज फ़ोटो ज़रूर भेजें। इसमें जो भी आपको होगा, जो अप्लाई करेंगे इनको 15,000 रुपीज़ एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो है ऑफर लेटर बाद। ठीक है, ये बात हम सही दिमाग में रख लीजिए। और जो इसमें अप्लाई करते हैं तो सिर्फ ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ECR पासपोर्ट वाले नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, आपकी उम्र कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको जो सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका इसमें टेस्ट होगा। ठीक है, जब अब जब जाते हैं कंपनी जाएंगे ज्वाइन करेंगे सिक्योरिटी गार्ड का, तो आपको 7 दिन का टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट में जो है दुबई की पुलिस के अंडर में टेस्ट होगा। ठीक है, दुबई की पुलिस जो है वो आपकी टेस्ट लेगी, और ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, जिसको सीरा टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सीरा टेस्ट है जिसको बोलते हैं, तो इसको रख देते हैं और आपको हम बताते हैं सीरा टेस्ट। तो अगर इसमें आप 3 चांस मिलेगा आपको पास करने का, 3 चांस में अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको 1800 सैलरी की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पास नहीं हुए उसके बाद भी आप फिर से देना चाहते हैं तो आपको 1050 दिरहम पे करना पड़ेगा फिर से टेस्ट देने के लिए। और ये अगर 3 बार फेल होने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुल के कोई नहीं बताएगा, वहाँ जाने के बाद फंसने का नहीं है। ठीक है, इसलिए पूरा क्लियर मैं पहले कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहला चीज़ आपकी हाइट 5'4" होनी चाहिए कम से कम, और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, फुल फ़ोटो चाहिए, CV चाहिए, पासपोर्ट फ्रंट बैक पेज चाहिए, फुल साइज फ़ोटो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एडुकेशन सर्टिफिकेट, ये पूरा मेल कर देना। ठीक है, और उसके बाद आप
अच्छा हो कि ऑफिस विजिट कर लीजिए, ठीक है। ऑफिस विजिट करके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। और उसके बाद आपको 15,000 रुपये एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। और जब ऑफर लेटर आएंगे आपको सीवी सिलेक्शन के बाद, जब ऑफर लेटर आएगा आपका सीवी सिलेक्शन सब सिलेक्शन पर, जब ऑफर लेटर आएगा तब आपको बाकी पैसे देने हैं। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है तो इसमें आपको टाइम लगेगा, अग पकाइएगा नहीं। और जाके आपका वहाँ पर जाके सीरा टेस्ट होगा, आपको 3 चांस दिया जाएगा पास करने का। जो 3 चांस में अगर आप पास कर गए तो आपको 1800 सैलरी मिलेगी, अगर 3 चांस में पास नहीं किए फेल हो गए तो आपको 1200 सैलरी पर काम करना पड़ेगा, 12 घंटा ड्यूटी होगी, हफ्ते में छुट्टी होगा, रहने की जगह देंगे एक, और आपको मेडिकल देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, खाना आपका खुद का है। तो ये है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की पूरी डिटेल्स। अब जो भी भाई फ़ोन करके इंक्वायरी करेंगे पूछेंगे तो उनको उतना नहीं मालूम है जितना मैं आपको बता दिया, ठीक है। मैं उनको उतना उनको उतना ही मालूम जितना मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकेंगे, तो आप वीडियो को देख ले सही से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करें, ठीक है, उसमें हमको रिप्लाई कर देंगे। और जो है अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हो सकता है हमको बोलें अच्छा आता है चाहे नहीं आता है, उससे मतलब नहीं, मत रखिए। आपको ये देखिए कि आपका हम काम करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपका काम हो रहा कि नहीं, मेरे बोलने पे मैं कोई एंकर या होस्ट नहीं हूँ जो आपको अच्छी तरह से परसेंट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना बोल सकता हूँ कोशिश करता हूँ अपना 100% देने का। अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे लिए कि हम अच्छा से अच्छा आपसे बोल सकें, आप बोलना सीखें, ठीक है। आने वाले दिनों में बोलना सीख ही जाएंगे, कोई माँ के पेट से सीख के आता नहीं है। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।